अच्छा पिछले एक महीने की बात करें तो फ्लिपकार्ट पे सेल्स की लाइन लगी हुई है। अगर आप देखो तो मेरे ख्याल से एक एक हफ्ते के बाद एक एक सेल तो आ ही रहे हैं फ्लिपकार्ट पर। एक नया सेल चालू हो गया है जो कि एक्चुअली जो फ्लिपकार्ट के मेंबर्स हैं उनके लिए आज से शुरू हो गया होगा जब आप वीडियो देख रहे हो, लेकिन बाकी सबके लिए आज रात 12 बजे के बाद यानी कल से शुरू होगा एंड 27 तारीख से 29 तारीख तक चलेगा 3 दिन सेल। एंड कुछ अगर स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो और अगर आपके पास HDFC का क्रेडिट कार्ड है तो कुछ अच्छे ऑफर्स आए हुए हैं। वैसे स्मार्टफोन के ऑफर्स उसमें 60-70 के आसपास थे, मैंने अपनी तरफ से 20 डील्स पिक किए हैं जो मुझे ठीक ठाक लगे। अगर आपको स्मार्टफोन लेना है इस टाइम तो शॉप फ्रॉम होम डेज सेल चल रहा है फ्लिपकार्ट पे, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों पसंद आया। चलते से वीडियो की तरफ, लेट्स गेट स्टार्ट। कंटेंट अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साइड में देखो बेल का आइकन है ना, उस पर क्लिक करके ऑल को क्लिक कर देना ताकि मेरे नोटिफिकेशन वीडियोस के आपको मिलते रहे। और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है आके पूछ लो, इंस्टाग्राम पे सबको आंसर मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। चलिए बात करते हैं डील्स की। सबसे पहले बता दूं कि अगर आपके पास HDFC का क्रेडिट कार्ड है और अगर आप नॉन EMI पे लेते हो तो 750 रुपए का ऑफ आता है डायरेक्ट, एंड अगर आप EMI पे लेते हो तो 1000 रुपए का ऑफ है। तो ये याद रखना 750 रुपीज नॉन EMI पे है और EMI पे अगर आप लेते हो तो 750 नहीं, इस बार 1000 रुपए का ऑफ आपको मिल जाएगा। डील्स यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं, साइड में इधर या इधर माइक्रो साइट आते रहेंगे, देखते रहना। पहले ऑफर की बात करते हैं। पहला ऑफर है Redmi 9 Power का, 10,000 का स्मार्टफोन है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है HDFC का तो आपको 1000 का ऑफ मिल जाएगा और ये स्मार्टफोन आपको सिर्फ 9,000 रुपए मिल जाएगा। डील अच्छी है, देखना चाहते हो देख सकते हो, मतलब फीचर रिच है, 9,000 के हिसाब से डील अच्छी है। चलिए अगला स्मार्टफोन पोको X3 Pro, स्नैपड्रैगन 860 के ऊपर आता है आपको मालूम है, 18,000 का प्राइस है। अगर आप कार्ड लगाते हो तो 1,000 रुपए का ऑफ आ जाएगा, ये स्मार्टफोन आपको 17,000 रुपए मिल जाएगा। देखना चाहते हो इसको भी देख सकते हो, 17,000 के हिसाब से एक परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन अच्छा है। बात करते हैं तीसरे डील की। तीसरा डील है Realme X50 Pro का, आपको मालूम है सुपर एमोलेड का पैनल है, 865 का चिपसेट है, 5G फोन है, 25,000 रुपए में आ रहा है। कार्ड लगाओगे 1,000 का ऑफ हो जाएगा, ये आपको 24,000 मिल जाएगा। 24,000 के हिसाब से डील अच्छी है, देखना चाहते हो इसको देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट ऑफर है Realme X7 5G, 20,000 पे आया था, 5G फोन है, सुपर एमोलेड का पैनल है, Dimensity 800U का चिपसेट है, एंड इस बार ये सिर्फ 18,000 रुपए में आया हुआ है, एंड इस पे 1,000 का कार्ड वाला ऑफ लगाते हो तो आपको 17,000 तक मिल जाएगा। डील अच्छी है, इसकी तरफ भी आप देख सकते हो। पोको X3 थोड़ा पुराना है, फिलहाल एक्चुअल प्राइस 15,000 है, सेल में आपको 14,500 मिलेगा। अगर आप कार्ड लगाते हो तो 1,000 का ऑफ मिल जाएगा। 13,500 में पोको X3 Pro एक बहुत अच्छी डील है, देखना चाहते हो इसकी तरफ देख सकते हो। Realme Narzo 30 Pro 5G, अगर आपको 15,000 के नीचे 5G फोन चाहिए और अच्छे कैमरा वाला, क्योंकि इसके रिव्यूज कैमरा इसके लिटरली बहुत अच्छे आए हैं, 6GB 64GB 15,500 का आया हुआ है, कार्ड लगाओगे, एक्चुअली ये 17,000 का है लेकिन सेल में आपको 15,500 मिल रहा है, कार्ड लगाओगे 1,000 का ऑफ हो जाएगा, 14,500 में। डील बहुत अच्छी है Realme Narzo 30 Pro 5G, देखना चाहते हो इसकी तरफ देख सकते हो। Realme 8 4GB 128GB 4G वाला जो है 15,000 प्राइस है, सेल में आपको सिर्फ 14,500 में मिलेगा। HDFC का कार्ड लगाओगे 1,000 का ऑफ हो जाएगा, 13,500 में आ जाएगा। 13,500 के हिसाब से Realme 8 एक अच्छी डील है, देखना चाहते हो इसकी तरफ देख सकते हो। Samsung Galaxy F12 10,000 में अभी मिल रहा है फिलहाल, एक्चुअली इसकी प्राइस 11,000 रुपए, सेल में 10,000 मिल रहा है, कार्ड लगाओगे 1,000 का और ऑफ हो जाएगा यानी 9,000 में आ जाएगा। Samsung के फैन हो, अगर आपको 9,000 के आसपास एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए तो Samsung Galaxy F12 देख सकते हो, डील अच्छी है। Realme 8 5G 15,000 पे ही आया हुआ था, इसका बेस वेरियंट 4GB 128GB, बाद में उसके बाद एक 4GB 64GB भी उन लोगों ने लॉन्च किया 14,000 रुपए में, दोनों पे 1,000 का ऑफ है कार्ड के साथ, एंड 4GB 64GB वाला 13,000 में मिल जाएगा, 4GB 128GB वाला आपको 14,000 में मिल जाएगा। 5G फोन 13,000-14,000 में चाहिए तो आप इसकी तरफ देख सकते हो, Realme 8 5G की तरफ। नेक्स्ट स्मार्टफोन Realme का Realme C25 10,000 में आ रहा है सेल में, इसके ऊपर 750 रुपए का प्रीपेड का ऑफ है एंड 1,000 रुपए कार्ड का, तो टोटल 1,750 का ऑफ हो जाएगा, आपको ये 8,250 रुपए में मिल जाएगा। आपका बजट अगर 8,000-8,500 के आसपास है और आपके पास HDFC का क्रेडिट कार्ड है तो इसकी तरफ देख सकते हो, 8,250 में स्पेसिफिकेशन लिटरी बहुत अच्छी है इसके 8,250 के हिसाब से। चलिए Redmi Note 9 थोड़ा पुराना है, 11,000 में आया, पहले 12,000 में लॉन्च हुआ था, उसकी प्राइस 11,000 रुपए हो गई है। इस पे 500 रुपए का प्रीपेड ऑफ है और 1,000 कार्ड का ऑफ है, अगर आप EMI भी लेते हो तो 9,500 में मिल जाएगा, अच्छी डील है। 9,500 का बजट है आपका, Redmi Note 9 एक बहुत अच्छी डील है। पोको M2 Pro इस बार थोड़ा महंगा मिल रहा है, वैसे पिछले सेल्स में 12,000 तक आ जाता था, अभी फिलहाल 14,000 का है, कार्ड लगाओगे 1,000 का ऑफ हो जाएगा, 13,000 तक आएगा, फिर भी 13,000 के हिसाब से अगर आपको स्मार्टफोन चाहिए तो डील अच्छी है, देखना चाहते हो इसकी तरफ देख सकते हो। या उसके बदले अगर आपको देखना है तो Moto G40 Fusion देख लो, इसका बेस वेरियंट जो है आपको 14,000 में सिर्फ मिलता है, कार्ड लगाओगे 1,000 का ऑफ हो जाएगा, 13,000 मिल जाएगा। पोको M2 Pro से कहीं ज्यादा बेटर है मोटोरोला का Moto G40 Fusion, देख सकते हो अच्छा स्मार्टफोन है। नेक्स्ट उसी का बड़ा भाई G60 मोटोरोला का, वो भी 18,000 में आ रहा है, कार्ड लगाओगे 1,000 ऑफ हो जाएगा यानी आपको 17,000 तक मिल जाएगा,
G40 में ज्यादा जस्टिफाइड कहूंगा प्राइस के हिसाब से, 17,000 में G60 थोड़ा सा मैं कहूंगा और प्राइस, अगर 16,000 15,500 तक आता था तो डील बहुत अच्छी हो सकती थी। देख सकते हो इसकी तरफ भी, ऐसा नहीं कि खराब है, ठीक ठाक डील है, मतलब अच्छा डील। नेक्स्ट स्मार्टफोन वीवो का V21, इसके ऊपर कुछ अलग ऑफर्स हैं। 30,000 का स्मार्टफोन है, नया फोन आया हुआ है, अगर आप HDFC के कार्ड से पे करते हो तो 1,500 का आपको ऑफर मिल जाएगा, इसके बाद 2,000 का एक्सचेंज भी ऑफ है, तो दोनों अगर मिलाते हो तो 3,500 के आसपास ऑफ हो जाएगा, 26,500 में आ जाएगा। 5G फोन है, स्लिम फोन है, काफी लाइट वेट है एंड फीचर्स भी अच्छे दिए गए हैं। अगर आपको 26,500 के आसपास एक अच्छे कैमरा वाला स्मार्टफोन चाहिए तो आप वीवो V21 की तरफ देख सकते हो। सैमसंग गैलेक्सी F62 पहले तो 18,000 में आ रहा था, इस वाले सेल में प्राइस थोड़ा ऊपर ही रखा है, 24,000 रखा है, और अगर ICICI के क्रेडिट कार्ड से पे करते हो या डेबिट कार्ड से भी पे करते हो तो 2,500 का ऑफ है, 21,500 तक आ जाएगा। मैं कहूंगा अभी देखने की जरूरत नहीं है, एक डेढ़ हफ्ते में नया सेल भी चालू होगा, उसमें आपको 18,000 के आसपास तक मिल जाएगा पॉसिबली F62। वेट कर लीजिए उस सेल का मेरे हिसाब से, बाकी आपको देखना है तो आप देख सकते हो। अगला स्मार्टफोन LG विंग, स्वेल करता है डिस्प्ले, आपको मालूम है, अच्छा है स्मार्टफोन, 30,000 के हिसाब से ठीक डील है, आपको 765G का चिपसेट मिलता है, बाकी सारी चीज़ें काफ़ी मैकेनिकल है आपको मालूम है, तो 30,000 का आ रहा है, कार्ड लगाओगे 1,000 का ऑफ हो जाएगा एंड 29,000 में आपको स्मार्टफोन मिल जाएगा। 29,000 के हिसाब से अगर आपको एक अच्छा दिखने वाला स्मार्टफोन चाहिए, थोड़ा वेट है ज़्यादा, लेकिन अगर आपको अच्छा दिखने वाला स्मार्टफोन चाहिए तो आप इसकी तरफ देख सकते हो। नेक्स्ट स्मार्टफोन iQOO 3 है, 25,000 में आ रहा है, कार्ड लगाओगे 24,000 तक आ जाएगा। परफॉर्मेंस के लिए स्मार्टफोन चाहिए, सुपर एमोलेड पैनल चाहिए, फास्ट आपको सारी चीज़ें चाहिए तो ठीक है, लेकिन मुझे कहोगे तो मैं कहूँगा इससे बेटर Realme X50 Pro है, उसमें भी ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं 5G कैपेबिलिटीज़ के साथ, तो मैं कहूँगा कि ज़्यादा बेटर है Realme X50 Pro एज कम्पेयर टू iQOO 3। देख सकते हो, बाकी आपके ऊपर है जो ब्रांड आपको पसंद हो। चलिए नेक्स्ट स्मार्टफोन की बात करते हैं, Realme X7 Pro 5G, 30,000 पे आया था, सेल में 27,000 पे आ रहा है, HDFC का कार्ड लगाओगे, EMI पे लोगे तो 1,000 का ऑफ हो जाएगा, 26,000 में मिल जाएगा, 26,000 के हिसाब से डील अच्छी है। देखना चाहते हो इसकी तरफ, देख सकते हो X7 Pro 5G, सारे फीचर्स हैं एंड 26,000 में लिटरली बहुत अच्छी डील है, अगर आपका बजट 26,000 के आसपास है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसकी तरफ देख सकते हो। नेक्स्ट है Mi 10T, काफ़ी कंफ्यूजिंग है, 33,000 प्राइस है इसका, अगर आप HDFC के क्रेडिट कार्ड से EMI लेते हो तो इसके ऊपर डायरेक्ट डिस्काउंट 2,500 रुपए का है और 5,000 का एक्सचेंज ऑफर भी है, तो 2,500 प्लस 5,000 7,500 होता है, वही माइनस करके उन लोगों ने प्राइस दिखा दिया है 25,500 रुपए। लेकिन एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि अगर आप 2,500 वाला ऑफर लगा दोगे एंड एक्सचेंज लोगे तो दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, एक्सचेंज का माइनस करोगे 33 में से 28,000 बचेगा, लेकिन वो 2,500 पाने के लिए आपका जो कार्ट वैल्यू होना चाहिए वो 30,000 के ऊपर होना चाहिए, तो 30,000 नहीं हो रहा है, 28,000 ही बच रहे हैं अगर आप एक्सचेंज कर रहे हो, ऑब्वियसली कार्ट वैल्यू आपका 30,000 के नीचे आ जा रहा है, तो नहीं मिलेगा, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, या तो 5,000 वाला एक्सचेंज ऑफर ले लो या फिर 2,500 वाला HDFC का, दोनों में से एक ही मिलेगा, दोनों नहीं मिल रहे हैं वहाँ। लेकिन स्टिल अगर आप कार्ड लगाते हो तो ये स्मार्टफोन 30,500 तक आपको मिल जाएगा, लेकिन एक्सचेंज करते हो तो ये स्मार्टफोन आपको 28,000 की प्राइस के आसपास तक आ जाएगा। ये थे 20 स्मार्टफोन के डील्स जो मुझे डिसेंट लगे थोड़े से, और भी बहुत सारे डील्स हैं जाके आप देख सकते हो स्मार्टफोन के, ये मुझे थोड़े ठीक ठाक लगे इसलिए मैंने इसको लिस्ट में डाल दिया। कौन सा वाला ले रहे हो? फ्लिपकार्ट का शॉप फ्रॉम डेज सेल 27 तारीख से 29 तारीख तक चलेगा, जरूर बता देना कौन सा वाला ले रहे हो एंड कैसा लगा वीडियो ये भी बता देना, पसंद है लाइक कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद है डिसलाइक करके मुझे बता देना क्यों पसंद है, और भी बहुत सारे वीडियोस हैं उन्हें भी चेक कर सकते हो और मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो, सपोर्ट करने साइड में देखो बैठे मैं उसके ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और सपोर्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे आ जाना है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, आ जाओ इंस्टाग्राम पे, सबको आंसर्स मिलते हैं आपको मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय।